हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ग्रीन एरो का J13 माइक। ये है ग्रीन एरो का माइक। MRP इस पे 4000 दिया हुआ है, लेकिन मुझे डिस्काउंट पे ये 2500 के अंदर मिल गया, 2299, बट 50 रुपीज़ एडिशनल डिस्काउंट की वजह से 2249 रुपीज़ का मिला मुझे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया इसके ऊपर, प्लग एंड प्ले, 20 मीटर्स ऑफ एक्सेसिबल रिसेप्शन, प्रीसाइज रेडियो, क्लियर टिम्बर, हाईली सेंसिटिव, वाइडली कंपैटिबल। ये मिला है वारंटी कार्ड जिसमें इन्होंने अपना कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है। और ये है ग्रीन एरो का माइक। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो डायरेक्टली मेरे फोन से सुन रहे हो। ओके, तो इसके अंदर हमें मिला है ये ग्रीन एरो का चार्जर, ये आईफोन का कनेक्टर है, लाइटनिंग कनेक्टर फॉर आईफोन, और ये मिलता है माइक। ये हमारा ट्रांसमीटर है, और ये दोनों के दोनों है रिसीवर। नॉइस कैंसिलेशन के लिए यही बटन है, पावर ऑफ पावर ऑन। तो अगर आपके पास ये बॉक्स नहीं रहेगा तो भी चिंता की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे चार्ज कर सकते हो। दोनों को, दोनों ही रिसीवर को आप ऐसे चार्ज कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ मेरे आईफोन के साथ। तो अभी मैं चालू करने जा रहा हूँ ग्रीन एरो का ये माइक, और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है। तो गाइज, मैंने जब फर्स्ट टाइम माइक को टेस्ट किया, वीडियो चालू था, और मैंने डायरेक्टली उस वीडियो में ही माइक को कनेक्ट किया था, जिसकी वजह से शायद मेरा माइक कनेक्ट ही नहीं होता। अगर आपको माइक कनेक्ट करना है तो पहले जो करंट वीडियो आपको उसको बंद करना पड़ेगा, बंद करके माइक कनेक्ट करके फिर से चालू करो। मैंने जब माइक को टेस्ट किया फर्स्ट 2 टाइम्स, तो माइक काम नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर से हमने जब स्टार्ट किया सेल्फी एंड अनदर रियर वीडियो लेके, तो दैट टाइम ये वर्क कर रहा था। अभी मैं और मेरा भतीजा दक्ष, हम दोनों मिलके इस माइक को टेस्ट करने वाले। लेट्स सी, अगर अभी आप जो आवाज़ सुन रहे थे डायरेक्टली माइक से सुन रहे थे विदाउट एनी नॉइज कैंसिलेशन। अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन चालू कर रहा हूँ, देखता हूँ दोनों का एक साथ सिंक होता है या दोनों का अलग अलग सिंक होता है। इसमें नॉइज कैंसिलेशन 1 टाइम चालू है और इसमें डायरेक्टली। अब दोनों में जो है नॉइज कैंसिलेशन 1 नंबर पर चालू है, तो अभी जो आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो वो डायरेक्टली मेरे फर्स्ट माइक कैंसिलेशन है। दक्ष, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, न्यू माइक लिया तो अभी न्यू वीडियोस आते रहेंगे यूट्यूब पे, और आप देखते रहिए, और उसमें बताइए कि वॉइस कैंसिलेशन कैसा है, और कमेंट करके बताओ। अब आप नॉइज कैंसिलेशन 2 चालू करो। ये नॉइज कैंसिलेशन 2 चालू हो गया, मतलब 2 बार बीप हुआ तो दूसरा कैंसिलेशन चालू हो गया। अब मैं भी इसे क्लिक कर रहा हूँ, ये 2 बार बीप हो चुका है। अब जो हम दोनों की आवाज़ आ रही है वो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन 2 पे है। तो आप, आई होप आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो। बगल में मेरे फ़ैन भी चालू है, और ऊपर का भी फ़ैन इस वक्त चालू है हमारा, तो घर पे 2 फैन चालू है। एंड अब हम लोग एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन 3 पे इसे एक्टिव कर रहे हैं। ये 3 बार बीप हो चुका है, मतलब ये तीसरे कैंसिलेशन पे चालू हो गया। और लेट मी डू, अब हम दोनों का जो माइक है नॉइज कैंसिलेशन 3 पे चालू है, घर पे 2 फैन चालू है। तो लेट्स सी कि ये सिर्फ घर के लिए ही बेटर है या हम कहीं माउंटेन्स वगैरह जाएंगे तो उस वक्त भी काम आएगा या नहीं आएगा। और मेन इसमें जो तीसरा कॉन्सोलेशन है उसमें आपको वॉइस एकदम क्लियर आएगा, तो आप तीसरे कॉन्सोलेशन में अगर ऑन किए तो उसमें बहुत क्लियर वॉइस आएगा आपको। तो अभी इंडोर का टेस्ट तो हमने कर लिया है, आई होप आवाज़ अच्छे से आ ही रही होगी। हमको बस एक्सपीरियंस करना कि अगर जब हम बाहर जाएंगे तब इसका आवाज़ कैसे आएगा। दक्ष, आप कुछ और कहना चाहेंगे?
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसमें एक बार आउटडोर भी अगर इसमें ट्राई करेंगे तो हम तभी हमको मालूम पड़ेगा कि इसका कॉन्सोलेशन कैसा है अगर आउटडोर में यूज करें तो। अभी अगर आपको इसे म्यूट करना है तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ 2 टाइम इस पर क्लिक करना है, हमारी आवाज़ आपको नहीं आएगी। वेट अ मोमेंट। ओके, अभी दक्ष का जो है वो उसका माइक म्यूट है। दक्ष, हेलो 1 2 3 4। हो सकता है इस माइक से उनको आवाज़ जा सकती है, मैं इस माइक को दूर रखता हूँ। बैठो बैठो दक्ष, कुछ कह के दिखाओ। हेलो 1 2 3 4 को आवाज नहीं आ रही। मैं भी इस माइक को म्यूट कर लेता हूँ। मैंने अपना म्यूट रिमूव कर दिया है। ओके, मेरा भी दक्ष ने हो भी चुका रिमूव है। कर दिया है, तो आई होप आपको आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। तो अभी डायरेक्टली मैं माइक नहीं बंद करूँगा, पहले मैं वीडियो बंद करूँगा फिर माइक को बंद करूँगा, वरना हो सकता है कुछ एरर हो के आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने वैसे ही किया था, पहले माइक बंद कर दिया था तो वीडियो में हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो गाइज आपने देखा होगा अभी तक मैंने जो भी वीडियो में बताया, इसका मेरे जो माइक है ग्रेनारो का, उसमें किस तरीके के नॉइज कैंसिलेशन है, 3 टाइप्स के बारे में मैंने आपको बता दी। बट मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। जो ब्लॉगर्स न्यूली स्टार्ट करते हैं या ऑफलाइन में जाके चीपेस्ट माइक खरीदते हैं, वो मैंने भी गलती की थी। ये चाइना का कोई K8 कंपनी का है और ये K9 कंपनी का है। अब अगर देखा जाए तो तीनों ही कंपनी पे लेट मी शो, जो नॉइज कैंसिलेशन हो गया या 20 मीटर्स ऑफ एक्सेसिबल, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि 20 मीटर्स ऑफ एक्सेसिबल रिसेप्शन, मतलब उतना दूर से आप बात कर सकते हो तब भी सुनाई देगा। बट जब मैंने K8 का माइक लिया था, ये काफ़ी अच्छा चल रहा था, बीच में एक बार माइक गिर गया था, ये तो गिरने के बाद इसका जो रिसीवर है वो टूट गया था। बाद में मैंने ट्राई किया तो पता चला फिर कोई जो लाइटनिंग कनेक्टर है वो ख़राब हुआ था, तो किसी कारणवश मैंने सेकेंड टाइम ये वाला माइक खरीद लिया था K9 का। बट लेटर मैंने देखा कि ये माइक ऑटोमेटिकली ख़राब हो गया। इसका लाइटनिंग कनेक्टर मैंने इसे कनेक्ट किया था, बाद में कुछ दिन बाद देख रहा हूँ कि दोनों के दोनों माइक वर्क नहीं कर रहे। तो अगर आप सोच रहे हो कि K8 का माइक ख़रीदने के लिए, तो माइक तो आप ख़रीद लोगे बट 300 300 600 600 रुपये डाल के अगर आप ये ऐसे माइक ख़रीद रहे हो जो कुछ ही दिन में ख़राब होने वाला है, इससे बेटर मेरा सजेशन होगा कि आप 400 500 या 600 रुपये खरीद के ऐसे माइक पे पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा होगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो किसी अच्छे किसी ब्रांडेड क्वालिटी पे, जो आपको फ्यूचर में आपका लॉस नहीं कराएगा और आपका फ़ायदा होगा। अगर आप अपना पैसे बचाने के लिए इस पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसे बचेंगे नहीं बल्कि उल्टा लॉस होगा। एंड अभी आप देख पा रहे हो मैंने एक्टिव 3 नॉइज कैंसिलेशन चालू किया हुआ है, एंड मेरे घर पे ये वाला फ़ैन भी चालू है और दूसरा फ़ैन ऊपर का फ़ैन भी चालू है। तो आप लोग चेक करके बताओ कि आपको कैसी आवाज़ आ रही है मेरी। सो गाइज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस बोया माइक। इसकी मैंने बहुत तारीफ सुना हर जगह पे, जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी स्टडी करते हो तो इसके बारे में हर कोई आपको बताता है कि बोया का माइक सबसे अच्छा और सबसे सस्ता भी है। तो बोया का माइक मैंने ऑफलाइन एक शॉप से खरीदा था, लोकल शॉप से, वो कुछ देर बाद उसका माइक के पास का जो हिस्सा है मतलब निकल गया था। निकल के मैंने वापस भी लगाया, ठीक ठाक है उसका भी वाइप, वो भी अभी मेरे पास चल रहा है। बट ये वाला जो माइक है ये मैंने कैरन के शोरूम से अराउंड 800 रुपीज़ में खरीदा था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा माइक है, वो नॉइस कैंसिलेशन भी अच्छा होता है एंड आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आती है। अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो बना रहे हो तो उस वक्त ये काम आएगा, इंटरव्यू या मतलब आप घर पे बैठे बैठे वीडियोस बनाने वाले हो तो ये माइक भी आपके लिए चल जाएगा। लेकिन अगर आपको दूर रहना, दूर रुक के वीडियो बनाना है, इंटरव्यूज बनाना है, तो शायद आपको ये वायरलेस माइक ही लगेगा। इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आईफोन, जैसे कि मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मेरे 11 प्रो मैक्स पे शूट कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे लाइटनिंग कनेक्टर खरीदना पड़ेगा, ये खुद 900 रुपये का आता है। तो अगर आपको वीडियो बनाना है आईफोन में तो ये कनेक्ट करना होगा दूर से। मैं आपको इसका भी आवाज़ सुना देता हूँ डायरेक्टली आईफोन में कनेक्ट करके। तो अभी ये मैंने बोया का माइक कनेक्ट किया हुआ है और आवाज़ कुछ इस तरीके से आ रही है। अभी भी फ़ैन दोनों चालू है और इससे पहले जो आप आवाज़ सुन रहे थे उसमें मैंने ग्रीनारो का माइक यूज़ किया था, एक्टिव 3 लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन। उसके अलावा मैंने कोई माइक यूज़ नहीं किया है, अगर किया है तो iPhone 11 Pro Max का डायरेक्टली माइक से यूज़ किया है। अब आप देख रहे हो
मैंने माइक को अंदर डाला है और दोनों ही माइक में रेड लाइट इंडिकेटर चालू है, दैट मीन कि ये चार्ज हो रहा है। जब आप माइक खरीदते हो तो वो माइक के ऊपर कुछ ऐसे प्लास्टिक लगे होते हैं, उसे आपको रिमूव करना ज़रूरी है। अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो चार्ज नहीं होगा। तो मिलते हैं दूसरे हमारे ब्लॉग्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।